बिस्किट लेने के लिए करेक्ट टाइम पे, एनी टाइम। तो आज हमारा लंच भाभी का गोश्त, भाभी हमारी दीदी जो नीचे जमुना के पास है उनका खाना है ये। राइस देखो गरम गरम, खाना गोश्त और दाल और मिर्ची, ये देखो यमी यमी दाल देखो खाना। और ये बंदे को सबर नहीं है, निगले जा रहा है, रुक जा आराम से, नागमणी लेके जाएगा। नागमणी क्या, मैं तो बहुत कुछ लेके जाऊंगा। और खीरा भी मिला है, ककड़ी पहले हम खा लेंगे, फिर कस्टमर आया तो खाने नहीं मिलेगा। गाइस कितना यम्मी लग रहा है देखो, ओ माय गॉड। विजय को देख के आ गई विजय, फिर सुबह बिस्किट दे दिया, फिर आ गए विजय दे, कैसे करेगी तेरे को, कैसे करती है, कैसे करती है तेरे को दिखाना। दे आए। हाँ फिर हाथ लगाया, विजय विजय थोक गया तो इसको दे, विजय विजय मिल गया, अब सुबह बिस्किट मिल गया, अब खाना नहीं मिलेगा, खाना मिल चुका इसको। तो फिर तेरे को याद करते क्यों आ गई, सोचा दोबारा मिल जाए। दे इंजर्स दोषी गया निंजर दे आना सिंबल ने गाना होने लेंदा सोना नहीं हूँ छो मामा दोषी ने निंजर क्या रे निंजे दर्द है दिनों बाद लता सोचिक दिर सिंबल लगा नहीं शिडूर मज़ल द गए मारता सिंबल शिडूर मिशे मदे तो की दिल लगा छंग मरदा पुरा मादु दी दूलन कोई मरदा वो कोई दे मर कोई की खाने मो खाने ने तो उसको यार छोरा लाइव छोड़ दो जाने दो अब उसको यहाँ बैठेगा डेली उसको आदत लगा देगा तू फिर बाद में हर बेच हाथ धो के आजा उम्र बड़ा हो गया इसका अब। चावल खत्म था तो अभी इंडिया गेट का चावल लिया मैंने, यहाँ से लेने पे महंगा पड़ता ही है, पंजाब बस्ती में 300 में मिलता है, यहाँ पे 380 था, डिस्काउंट नहीं मिला, चावल लिया। अब क्या करें, दोनों हम दोनों यहीं ड्यूटी पे है तो चावल लेने वाला नहीं, वरना हम 60 रुपये वाला चावल लेते थे, तो अभी मजबूरी बनाम महात्मा गांधी अभी ये चावल लेना पड़ा हमें, तो ये चावल लिया है हमने। गाइस सुबह दोपहर में लंच किया था हमने क्योंकि हमारे घर पे अभी चावल ख़त्म हो गया था तो इसलिए, और दो बार विजय टिफ़िन भूल के आ गया घर पे ये दुकान पे तो टिफ़िन नहीं था, टिफ़िन की वजह से सुबह रोटी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी लेके नहीं आ पाए, टिफ़िन की वजह से है, और आज चावल ले लिया है। अभी आज दीदी को पैसे देना था मेरे को चावल लाने के लिए, मगर दीदी लेट आने वाली थी, दीदी को कोर्ट जाना था फिर से आज, तो इसलिए मजबूरी यहीं से चावल ले लिया, क्योंकि कल सैटरडे संडे है, कल परसों सैटरडे संडे है, हम लोग को सुबह जल्दी आना पड़ता है, आज भी हम जल्दी आ गए थे सुबह ड्यूटी पे, क्योंकि मेन तो हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे होता है जो कि जल्दी आना पड़ता है। हाँ बहुत थक गया हूँ मैं आज, कल जल्दी उठना है, जल्दी जाके सर रख के सो जाऊँगा मैं, और आज दिन भर मेरे को इतना गुटखा खाने की तलब हुई, मगर मुझे प्रॉमिस याद था इसलिए सॉरी। अभी भाई ने जितना लंबा जैकेट पहना है ना उतना लंबा जैकेट है अपने पास नहीं है, लॉन्ग कोट ही है। नहीं लॉन्ग कोट नहीं यार, नहीं यार। फिर भी इतना लंबा नहीं है, इतनी लंबी लेंथ में नहीं, इतनी लंबी लेंथ में आपको पफर जैकेट में मिल सकती है, पफर नहीं चाहिए, पफर तो पफर नहीं तो जैकेट ही चाहिए ना आपको, जैकेट में वैसा लंबा नहीं है लेंथ।
पफर जैकेट के अलावा, इसमें इतना लंबा लेंथ कहाँ से ले आऊँ मैं। सो गाइस हाँ, चावल ले लिया, दाल है अभी, देखो झूठ नहीं बोलता, 500 रुपये दिया, 120 वापस लौटाया, 380 रुपये पड़ा चावल का, ठीक है। और सर बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं आज सुबह से ना मेरे को चक्कर आ रहा था, मे बी शुगर हाई लो, ये टेंशन मैं लेता नहीं हूँ, मगर ऐसा लग रहा था कि मेरा शुगर हाई हो गया है, वो बहुत दिक्कत हो रहा था ना सुबह, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर वजह ला तुझे ना, ला तुझे ना। सो यही है गाइस आज का, अब रात को जाके देखते हैं। मैं तो अब रात को खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा हो चुका, दोपहर में राइस खा लिया मैंने, सुबह 3 रोटी खाई थी, 3 रोटी के साथ मैंने शुगर की गोली खा ली थी सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाई, फ़ोन चार्ज भी नहीं था, तो जल्दी जल्दी निकल गई मैं काम पे विजय को लेके। विजय जल्दी उठता नहीं है, आपको पता है उसको उठाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मुझे अभी भी यही हालत मेरी है, विजय को उठाने पे ही मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, सुबह हमारी नोकझोंक भी होती है उठने के लिए, ये नोकझोंक होती है क्योंकि उसको इतना उठाता हूँ इतना उठाता हूँ, मानता नहीं है बंदा, क्या करूँ, उसका टाइम टेबल नहीं है, मैं थक गया उसको समझा समझा के, इसलिए सुबह हमारी थोड़ी नोकझोंक होती है, गुस्सा हो जाता है, वो इतना जल्दी उठा दिया ये वो, जल्दी उठेगा वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम में टाइम लगता है उसे, वॉशरूम जाएगा फिर ब्रेकफास्ट करेगा, फिर रेडी होगा, फिर चलेगा, टाइम लगता है ना, इसलिए मैं 9 बजे उठा देती हूँ, 7 बजे दीदी आके उठा देती है, आजकल दीदी भी लेट आने लग गई है, वरना 7 बजे दीदी करेक्ट आ जाती थी, और मैं तो दीदी आने में ही उठ जाता हूँ, तो अभी यही दिक्कत है, दूसरा कुछ नहीं है, हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, दोनों काम अच्छा कर रहे हैं, ये बात मैंने बस इतना बोला था, शायद मुझे छोड़ना पड़ जाए जॉब, ये नहीं कि मैं छोड़ ही रही हूँ, मेरा दिमाग ये नहीं है कि छोड़ ही रही हूँ, मैं काम छोड़ रही हूँ, मैंने बोला कि मैं छोड़ सकती हूँ ये काम, देखती हूँ यार मेरा जैसा इंसान को ना काम जजे ना, मैं इतना करना है, और ये काम तो मेरा फेवरेट, मुझे पसंदीदा काम है, मुझे ये बहुत पसंद है, मेरे ओनर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी कितनी तारीफ करूँ कम है, ये 15 तारीख को मेरा मंथ होगा, तो पता चलता है ना इतने दिन साथ रहे, पता चलता ही है कि ओनर कैसा है, ठीक है, और भैया बहुत अच्छे हैं, बस, और मैं सोचूंगा क्योंकि मेरा भी बहुत काम होता है यहाँ, वहाँ भागना भी, अब बेटा भी आ रहा है बाद में, मेरा लोसर ख़त्म करके बेटा आएगा, फिर मुझे बेटे के लिए पहले यहाँ से कोई जाने वाला हो, मुझे बेटे के लिए छुपा वगैरह सिलाना होगा, उसकी स्कूल ड्रेस मम्मा वहाँ से सिलाएगी, यहाँ पे उसके लिए लोसर के लिए छुपा बना के भेजना होगा, बहुत कुछ काम होता है, ऐसा नहीं होता ना मैं यहाँ पे भी बैठूँ वहाँ पे भी बैठूँ, 2 जगह मैं डिरुमा नहीं रहेगी ना, एक ही जगह रहना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, ऐसा आसान नहीं है, मेरा बच्चा नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चा है ना तो बहुत सोचना पड़ता है ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ, जब भी मैं उसको टाइम देने के लिए सोचती हूँ तो कोई ना कोई काम आ जाता है, अब जैसे कि बर्थडे था उसका, उसको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई मैं, उसके साथ घूम नहीं पाई क्योंकि मैं यहाँ काम पे थी, ये मेरे दिल पे बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत बुरा फील होता है, मेरे को ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, जब हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं ना तो हालत हमारी, अंदर से हम बाहर से हम कितना भी खुश क्यों ना हो अंदर बहुत बुरा फील होता है मेरे को, मेरा बेटा ही करके नहीं, मेरी कभी भी मैं सोचता हूँ मेरी बहन मेरी मम्मा यहाँ तक आई मगर मैं उनको टाइम नहीं दे पाई, और यहाँ पे मेरे रियल दोनों बहन यहाँ पे उनको भी मैं, चाहे मेरे पास टाइम हो तो उनके पास नहीं है, उनके पास टाइम हो तो मेरे पास नहीं है, ऐसा हो जाता है ना तो मेरे को बहुत बुरा फील होता है, क्या कर सकते हैं, काम भी तो करना पड़ेगा ना, काम नहीं करेंगे तो कौन खाना देगा यहाँ पे, ऐसा भी तो है ना, क्योंकि हम खुद के घर में नहीं है, खुद के घर पे हो तो आए टेंशन नहीं है, मेरी माँ नहीं माँ दाल चावल खिला के तो हमारा पेट भर के सुला देगी हमें, कोई दिक्कत नहीं है,
मगर ये पर गांव होता है, यहाँ पे हमारा घर किराया देना होता है, पानी तक पियो तो पैसा देना पड़ता है, कुछ भी हो तो पैसा देना पड़ता है, फ्री में कुछ नहीं आता। तो घर का किराया, लाइट बिल, राशन, खाना पीना सब करना पड़ता है ना। इसलिए गाइस आप लोग मेरे को बुरा समझते हो, मैं मानता हूँ मैं ड्रिंक करने के बाद थोड़ा बुरा बोल देता हूँ, मुँह से ज़ुबान से गंदा गंदा गाली दे देता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ, मेरा नीयत बुरा है, मेरा दिल बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई आप लोगों को कुछ मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मैं बहुत महान हूँ ये हूँ, मगर जो हूँ, जो जैसी हूँ सामने हूँ, आप कैमरा में जैसी हूँ ना सामने भी मैं ऐसी ही हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर मुझे मिल के गया उनको पूछ सकते हो, मैं इतना कभी बुरा किसी के साथ बर्ताव नहीं करती, मेरा वो हरकत ही नहीं है। बस कभी कभी इंसान खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, क्या बोल सकते हैं। कभी कभी इंसान का दिल सही हो तो दिमाग सही नहीं होता, कभी दिमाग सही हो तो कभी दिल सही नहीं होता। इंसान के अंदर का दर्द हो, दिमाग का सोच हो, हम जज नहीं कर पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है, कि वो क्या सोच रही है, उसका दिल क्या बोल रहा है, उसका दिल क्या नहीं बोल रहा है, ये हम नहीं जज कर सकते। हम क्या किसी के दिल के अंदर घुस के बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते ना। इसलिए सो गाइस अभी टाइम वैसे भी बहुत हो रहा है, 9:30 हो चुके हैं, हमें दुकान बंद करना होगा, 10:30 को बंद करके वैसे भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके फिर बंद करना है। सो यही है गाइस आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ फिर एक और बात मेरे को बतानी है, मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा शायद डायबिटीज़ की वजह से मेरा वेट लूज़ हो रहा है, दूसरा मेरा वेट लूज़ ऐसा नहीं होता है आसानी से। और मैं ज़्यादातर आजकल वॉक भी कर रहा हूँ, काम पे टाइम पे आना ब्रिज के ऊपर चढ़ के आता हूँ, थर्ड फ्लोर घर के चढ़ता हूँ, थर्ड फ्लोर घर के उतरता हूँ, मैं भी इसकी वजह से भी शायद मेरा वेट कम हो रहा हूँ, ऐसा कुछ है। दूसरा मैं कोई डाइट नहीं कर रही, जो टाइमिंग पहले का खाने का है मेरा, दिन में एक टाइम खाना खा लूँ मेरा पेट भर जाता है, वैसी ही हालत है। अब जब डायबिटीज़ हुआ ना तब से गोली खाने के बाद प्यास बहुत लगती है, कभी भूल ऐसा है ना, खाना तो सामने इतना ज़्यादा रख दो ना वो पूरा नहीं खा पाऊँगा मैं, आधे आधे घंटे बाद खाना चाहिए मेरे को, ऐसा मुँह ना सूखता सूखता रहता है, ऐसा खाने का मन करते रहता है। बस इतना ही है गाइस, ओके देन बाय गाइस, लव यू ऑल। और बहुत सारे लद्दाख में कहाँ कहाँ से बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर आते हैं यहाँ पे, वो लोग मेरे को बोलते हैं ना जुड़ो मोहम्मद तुम्हारे बिग फैन है, ऐसा मेरे को बहुत खुशी होती है, अलग ही फीलिंग होती है उसमें, वो शायद मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, वो अलग ही फीलिंग होती है। और बहुत लोग चाहते हैं मैं लद्दाख जल्दी आऊँ, तो मुझे डर है कि मैं लद्दाख में सांस ले पाऊँ या ना आ पाऊँ, मगर बहुत लोगों ने बोला है जून जुलाई अगस्त का मौसम अच्छा है, तो जून 3 तारीख को मेरा बर्थडे है, वैसे आ सकती हूँ मैं, मेरा बर्थडे शायद लद्दाख में मना लूँ मैं, मेरा 28th बर्थडे लद्दाख में मना सकती हूँ शायद। सोचते हैं थोड़ा थोड़ा अभी बचत करना पड़ेगा ना, बचाना पड़ेगा हमें लद्दाख आने के लिए, मे बी लद्दाख इज़ वेरी एक्सपेंसिव फ्लाइट टिकट वगैरह, तो देखते हैं आगे। ओके देन बाय गाइस, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।